स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी प्रिडिक्शंस में। मैं हूं आपका दोस्त विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं आई ऑफ सिंधी। दोस्तों कल फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन किस तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी में लेवल्स रहेगा, ऑप्शन चेन में क्या डेटा बना हुआ है, पुट के साइड कॉल के साइड सारा कुछ क्लियर करेंगे। तो आप अगर ट्रेडर हैं, पोजिशनल इंट्राडे सेलर हैं, बायर हैं, कुछ भी हैं, तो आप इस वीडियो को देखिएगा, क्रिस्टल क्लियर लेवल मिलेगा एकदम लॉजिक के साथ। ठीक है, आप अभी आपके स्क्रीन पर देखोगे तो 15 मिनट के साइड निफ्टी का चार्ट ओपन है। ठीक है, निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन है, तो पहले निफ्टी में देखेंगे क्या लेवल्स है। आज के दिन क्या हुआ वो पहले देखो। आज के दिन गैप अप ओपन हुआ लेकिन मार्केट ऑलरेडी दबाव में था, तो मार्केट मुनाफा वसूली दिखाया और डे जो इसका लो देखो, सपोर्ट मैंने लिख भी दिया है और वो था 17,450। तो आपको पता था ऑलरेडी मार्केट में 17,425 50 पॉइंट में एक रेंज बन रहा था, जो रेंज था बाइंग जोन का। ठीक है, हाँ, इसको अगर ब्रेक करता तब आपका ये लेवल देखने को मिलता और ये था 17,350 का, और यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आना है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप जाके अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो फरवरी के स्टार्ट में इसी लेवल से काफ़ी ज़्यादा बाइंग आया है। मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ तो थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लूँ, थोड़ा सा आप देखोगे। ठीक है, आप ध्यान देना, देखो ये आप देखोगे, ये डे लो है, ये वाला आप देखोगे 17,350 के सामने आप देखोगे दो बार तीन बार बाइंग आ चुका है ऑलरेडी। तो ये एक ब्लाइंडली बाई जोन है, तो इस लेवल में बाई करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए एज ए बायर। ठीक है, तो अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाई कर लेना, पहले ये मैं आप सुनो लेवल क्या है, मैं आप ध्यान से समझना लेवल्स आपका क्या रहने वाला है कल के दिन। देखो मार्केट क्लोज हुई है 17,511 पे, मार्केट आज हाई लगाया है कि किस कितना 17,625, तो आपका ये एक मार्क हो गया हाई का, आज का हाई एक्सपायरी के दिन का हाई और एक्सपायरी के दिन का लो 17,450। ठीक है, अभी इस बीच में क्या है कि अभी बीच में मार्केट है, ये दोनों के हाई और लो के बीच में क्लोज दी है मार्केट, यानी कि आपको क्या लगता है कि मार्केट दिन में सुबह में जो ऊपर नीचे हो गया बट दिन भर एक रेंज में रहा एक्सपायरी के दिन, तो लास्ट टाइम में थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आई है। अभी ऑप्शन चेन के डेटा को आपके सामने अगर दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हो कि कॉल के साइड में अभी 17,600 पे लगभग 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट है जो कि सबसे ज़्यादा है, और 17,500 पे लगभग 41-42 लाख के ओपन इंटरेस्ट है जो कि सबसे ज़्यादा है। तो पुट के साइड में 17,500 एक अच्छा सपोर्ट का काम किया है आज के दिन, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे भी दिन भर 17,575 के आसपास ही मार्केट रेंज बाउंड में ही रहा। तो रेंज बाउंड में क्या होता है कि नो ट्रेडिंग जोन, मैंने यहाँ भी लिखा कि रेन बाउंड मार्केट है, नो बाइंग जोन, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम डीके सबसे बड़ा दुश्मन होता है, वो भी एक्सपायरी के दिन था तो बहुत फास्ट टाइम डीके हो रहा था, तो कोई ट्रेडिंग नहीं बनी। अभी देखो यहाँ पे एक बार की इस जो लेवल को जो 17,500 था तोड़ने की कोशिश भी किया बट वहाँ एक बाइंग जोन था, इससे मुझे पता लगता है कि ये एक्टिव बायर्स हैं। ठीक है, तो कल फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन क्या सब होगा वो भी मैं आपको बता दूँ। देखो 17,511 है, तो अभी एक मोनोपोली सपोर्ट आपकी नज़र में क्या है वो अब ध्यान से देखना, 17,450। ठीक है, तो आज का सबसे लो ये मोनोपोली है, अगर देखो इसको ब्रेक कर दिया आज के दिन मार्केट कहीं भी खुले या यहीं पे खुल जाए या यहीं आके खुले नीचे के पास, और इसको अगर ब्रेक कर दिया 15 मिनट के कैंडल पे ध्यान से देखना, अच्छे खासा सेलिंग प्रेशर आ गया, तब आप एक पुट ले सकते हो पीई एट द मनी प्राइस का ATM का, और वो टारगेट आपका फिर रहेगा 17,375 पहला, लिख देता हूँ 17,375 आपका पुट का पहला टारगेट, उसके बाद 17,350, समझा, 17,350 पे आपको निकलना है क्योंकि फिर वहाँ से एक बाइंग जोन है और वो है 17,325 से 17,350। ये जो रेंज है ना ये एक ब्लाइंडली बाई जोन है, तो यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो आप पुट से निकल के कॉल में जगह आराम से बना सकते हैं बिना कोई सोचे समझे। ठीक है, तो ये नीचे का लेवल आपको क्लियर हो गया, ऊपर का लेवल देखो कि मार्केट यहाँ पर है, अब अगर यहाँ से खुल के ऊपर की तरफ जाती है तो पहला रुकावट कहाँ होगा, आज का हाई, तो पहला रुकावट आज का हाई जो है 17,625। तो अगर मार्केट इस बीच में खुलती है ना, इस बीच में, तो आप बिल्कुल ट्रेडिंग मत करना, या तो ऊपर के साइड मार्केट को पहले जाने दो या तो पहले नीचे के साइड आने दो, दोनों सपोर्ट के बीच में अगर मार्केट किसी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के पास रेजिस्टेंस दिखा रहा है आपको लग रहा है तब वहाँ से पुट लीजिए, और फिर आपका अपना जो है स्कैल्पिंग के तौर पर रेंज बाउंड मार्केट रहेगा इसमें, तो आपके अपने हिसाब से ले। ठीक है, लेकिन अगर अच्छा ट्रेड बनाना है बाहर का बड़ा ट्रेड, तो अब आपको 17,625 के ऊपर के लेवल को ब्रेक करने का वेट करना होगा,
तब यहाँ से आप ले सकते हैं 100 पॉइंट का जो है 17725। ठीक है, तो लंबा टारगेट के लिए आपको 17625 के ऊपर ब्रेकआउट देना होगा जब मार्केट गैप अप ओपन होता है। तो आपका सिंपल है 17625 आज का डे हाई और आज का डे लो, यानी कि एक्सपायरी का जो भी लो है वो आपको ध्यान देना होगा। और इस लेवल में आए और नीचे के साइड ब्रेक करने की कोशिश करे तो पीई ले, अगर सपोर्ट दिखाए तब कॉल लें, और ऊपर रेजिस्टेंस के पास आए तो, और अगर मार्केट रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश करे तब पीई ले, और अगर इसको ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश करे, प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन हमेशा आप चेक करते रहना, ठीक है, तब आप कॉल लें। क्योंकि इस बीच में आप ट्रेडिंग मत लेना, इस बीच में आप ट्रेडिंग लोगे ना तो क्या होगा कि आपका टाइम डीके के साथ साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हालांकि कल फर्स्ट डे है तो आप अपने ऊपर रिस्क रिवॉर्ड को देखकर अगर आप जहां भी चाहो तो आराम से करो, लेकिन मेरा जो हिसाब है, मेरा जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मेरा जो है कॉन्सेप्ट, वो मेरा बस सिंपल है। अगर मान लो क्या है, सेल ऑन द राइज बाय ऑन द डिप का कॉन्सेप्ट लेके चलो मार्केट, जब रेंज है तो अभी मार्केट को इस लेवल पे आने दो, सपोर्ट दिखाएगा तो कॉल ले लेंगे इस रेंज के लिए, ब्रेकआउट देगा तो पी ले लेंगे इस लेवल के लिए। ठीक है, सिंपल समझ रहे हो ना, अच्छे से समझ रहे हैं। पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अब इस लेवल को 17625 जो आज का हाई है इसको ब्रेक ऊपर देता है तब जाके फिर एक कॉल ले सकते हैं, और वो फिर टारगेट 17725 का लेंगे। समझ रहे हैं ना, तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में लेके चलिए। ऑप्शन चेन में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 17500 पे अभी काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है नेक्स्ट एक्सपायरी का, और 17600 पे कॉल के साइड में, तो 17500 जो है सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। 17475 फर्स्ट बाइंग जोन है, लेकिन ब्लाइंडली बाइंग जोन है वो है 17350 17325। ठीक है दोस्तों, अब बैंक निफ्टी में हम लोग देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी मैंने अभी देखोगे तो अभी इस रेंज में मार्केट जो मैंने ड्रॉ किया है, इस रेंज में मार्केट दिन भर चला, तो इसका मुझे क्या पता चल रहा है कि 40,000 और 40,150 का जो रेंज है, इसी रेंज में मार्केट रहा तो किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा एज ए बायर। ठीक है, तो अभी अब कल क्या करोगे, कल का लेवल्स क्या रहा ध्यान से देखना। आज का जो डे लो है ये देखो, आज एक्सपायरी के दिन का लो है 39,600 का लो है, और हाई है कितना का 40,150-160 का मान लो। ठीक है, मार्केट ये सुबह टाइम में ही ये अपना डे लो डे हाई जो बनाना था सुबह टाइम में ही बना लिया, एक्सपायरी था फिर भी। अब उसके बाद एक बार हाई बनाया और मार्केट जो है बीच से ही फिर से जाके अपने हाई से टच किया, और उसी बीच में अब रेंज करने लगा पिछले काफ़ी घंटों से। तो अब क्या हुआ कि एक रेंज है, और आपको एक रेंज में एक बॉक्स भी मिल चुका है, ये बॉक्स को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लें ताकि अच्छा रहेगा, और नोट भी कर लें। तो इस बॉक्स से जब भी बाहर निकलेगा या तो ऊपर के साइड, और ऊपर के साइड का कौन सा लेवल है 40,150। ठीक है, यहाँ पे आके अच्छे से अगर सस्टेन होता है अच्छे से 15 मिनट के कैंडल पे देखो, और बाई जब आता है ना मार्केट में तो आपका मूवमेंट ही अलग टाइप का होगा, कैंडल बनने का जो स्टाइल होगा वो भी अलग टाइप का होगा। तो मूड एंड माहौल को देखो, और इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है 40,150 के ऊपर और मार्केट में स्टील होती है, बाइंग होती है, स्टेल्थ रहती है, तो फिर क्या करना है आपको, एक कॉल ले लेना है सीई जो कहते हैं एट द मनी प्राइस का। क्योंकि तब आपका जो है अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देती है तो फिर आपका जो है टारगेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, और वो है ये वाला 40,500 का, 40,475 के बीच में कहीं भी आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लें। ये हो गया ऊपर के साइड में। अब मान लो कि इसी रेंज में नीचे के साइड में जो है अभी ग्रीन कलर में इसको करके रखा हूँ, मैं इसको अभी रेड कर दूँ तब जाके आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सपोर्ट है, पहले रेजिस्टेंस था। तो अभी देखो ये वाला जो है ये ग्रीन हो गया, रेड हो गया, अब ये सपोर्ट है। ठीक है, और ये है 39,925। ठीक है, ध्यान से रुकना, 39,875। ठीक है, ये वाला जो रेंज है ना, इस रेंज के पास मार्केट जो है क्या है रुकी है, सपोर्ट ले रही थी। तो अब क्या है कि इसको अगर एक बार ब्रेक देती है ना, देखो आप अब ये मत कहना कि यहाँ पे ब्रेक दी और मार्केट इस रेंज में आके फिर से ऊपर गया, नहीं, ये क्या था, एक्सपायरी के दिन था तो शॉर्ट कवरिंग आनी थी। जो भी सेलर्स हैं, आज एक्सपायरी है इस मंथ का, जो भी सेलर्स पोजीशंस बना के रखे होंगे शॉर्ट किए होंगे, तो उनको अपना कवर करना था, तो ऑलरेडी ये कवर किए, इसलिए मार्केट यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आई थी, इसलिए यहाँ पर टच किया दोबारा, अन्यथा ये मार्केट यहाँ से टच होके ही फिर जाता। ठीक है, तो अब कल के दिन अगर इसको ब्रेकआउट देता है सुबह के टाइम में, पहले 10-15 मिनट आप देख लेना,
और ब्रेक इसको दिया अच्छा खासा, तब जाके आप टारगेट ले सकते हैं और वो टारगेट आपका फिर ये होगा। हाँ, इसको एक बार ब्रेक दे दे तब तो और बड़ा टारगेट मिलेगा, लेकिन अगर इसको ब्रेक नहीं देता है और यहीं पे थोड़ा बहुत खरीदारी कंसोलिडेट मार्केट रहता है इस लेवल में और फिर एक अच्छा खासा बाइंग आता है, तब यहाँ से फिर आप कॉल के लिए जगह बना सकते हैं। तो मार्केट में क्या है ना कि अभी स्कैल्पिंग करने का मौका दे रहा है। बैंक निफ्टी में 40,000 मेक एंड ब्रेक वाला लेवल है, क्योंकि कॉल के साइड और पुट के साइड काफ़ी ज़बरदस्त इंटरेस्ट है, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, ओपन इंटरेस्ट पुट के साइड भी और कॉल के साइड में भी बराबर है 24-25 लाख के आसपास। तो ये मेक एंड ब्रेक लेवल है, तो 40,000 के नीचे अगर ब्रेक होती है तो फिर आपको टारगेट मिल सकता है आपका ये 39,500-39,600 तक का, ये वाला लेवल्स। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप ध्यान से समझिएगा, लेवल्स को नोट करिएगा, क्योंकि अभी ये इस रेंज बाउंड में जब तक है तब तक कोई ट्रेडिंग मत करिएगा, या तो इसके ऊपर ब्रेकआउट देने पर करिए या तो इसके नीचे ब्रेक डाउन पे, ठीक है। एक बार की ये वाला आए तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करिए, कंसोलिडेटेड मार्केट रहता है तब आपको समझ में आना चाहिए मूड एंड माहौल कि बाय आ रहा है, तो आप यहाँ से एक कॉल ले सकते हैं और वो टारगेट फिर 40,000 का आपको रखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को समझिए, लेवल्स को समझिए, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा रेगुलर, क्योंकि ट्रेडिंग करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं डेली आपको इसी तरह के लेवल्स देता हूँ और आप मार्केट में ऑब्जर्व करिएगा, मैं आपको 80% गारंटी देता हूँ कि ये लेवल्स काम करेगा, क्योंकि मेरे पहले के भी वीडियोज़ आप चेक कर सकते हैं।